तो गाइस अब बात करते हैं फिश ऑयल के बारे में। फिश ऑयल एक सप्लीमेंटेशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के अंदर। अब ये बहुत अंडररेटेड सप्लीमेंट भी है, बट इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि फिश ऑयल होता क्या है। फिश ऑयल एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। इसमें दो फैटी एसिड्स होते हैं, जो होते हैं EPA और DHA। अब इसके कुछ प्रूवन बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि प्रोटीन मसल सिंथेसिस बढ़ाता है, जिसको डिप्रेशन है, एंजाइटी होती है उनके लिए ही अच्छा है। ब्लड प्रेशर कम करता है, हमारे फैट लॉस में हेल्प करता है, वेट गेन नहीं होने देता। बट सारे फिश ऑयल सेम नहीं होते। अब हम मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारे फिश ऑयल हमारे पास होंगे, पर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सा फिश ऑयल हमें लेना चाहिए। अब फिश ऑयल के अंदर दो तरीके के फिश ऑयल आते हैं। एक आता है एकदम नेचुरल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, और दूसरा आता है प्रोसेस्ड फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इथेल एस्टर फॉर्म। जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है वो एकदम नेचुरल फॉर्म होता है फिश ऑयल का, और जो इथेल एस्टर फॉर्म होता है वो ट्राइग्लिसराइड का एक प्रोसेस्ड वर्जन होता है, जिसके अंदर वो एक मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं जिसको हम कहते हैं इथेनॉल। इथेनॉल होता है एल्कोहल। अब ये बहुत सारी स्टडीज ने कंफर्म तो करा है कि इथेल एस्टर भी बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी में, बट जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होता है हमारी बॉडी उसे ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। और दूसरा डाउनसाइड ये है इथेल एस्टर, जो प्रोसेस्ड वर्जन होता है फिश ऑयल का, जब हमारी बॉडी उसे ब्रेक डाउन करती है तो वो पहले अपने नेचुरल फॉर्म में आता है, जो कि होता है ट्राइग्लिसराइड। और जब वो अपने ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में आता है तो वो एक मॉलिक्यूल उसमें से रिलीज करता है, जो कि होता है इथेनॉल। इथेनॉल होता है एल्कोहल। ऑल्दो जब वो रिलीज करता है अपना इथेनॉल, जो प्रोसेस्ड होता है, जो कि होता है एल्कोहल, वो बहुत स्मॉल डोज में होता है, बट अगर जिसको एल्कोहल से सेंसिटिविटी है, या और स्टडीज के हिसाब से जिन्होंने रिसर्चेस करी हैं इसके ऊपर, उनके हिसाब से ये हमारी सेलुलर और ऑर्गेनिक टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है हमारे अंदर, जिससे हमारा पेट अपसेट हो सकता है या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आ सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा कौन सा फॉर्म है वो अब आपको समझ आ गया होगा। मेरे हिसाब से जो हमारी बॉडी सबसे अच्छा ऑब्जर्व करती है, मैं वो वाला फॉर्म लेता हूँ जो कि है ट्राइग्लिसराइड। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इश्यू नहीं पहुंचाता, ये हमारे ऑर्गेनिक टॉक्सिसिटी भी नहीं बढ़ाता और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इश्यू नहीं करता। जो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, पर वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है हमारे फिश ऑयल के अंदर, बिकॉज उससे हमारी बॉडी को मैक्सिमम फिश ऑयल फैटी एसिड्स मिल रहे हैं, जो हमारी रिकवरी में भी काम करेंगे। ये तो बात हो गई कि आपको कौन सा फॉर्म लेना चाहिए फिश ऑयल के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि आपकी जो फिश ऑयल की वैल्यूज हैं वो कितनी होनी चाहिए, या आपको कितने कैप्सूल्स या कितनी फिश ऑयल की टैबलेट्स लेनी चाहिए एक दिन के अंदर। तो जो लो क्वालिटी फिश ऑयल होते हैं उसके अंदर 150 से लेके 300 मिलीग्राम्स तक के फैटी एसिड्स होते हैं, वो एकदम वर्थलेस होते हैं। एक चीप क्वालिटी फिश ऑयल का मैं लेबल डाल दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला फिश ऑयल आपने नहीं लेना। जो चीप क्वालिटी फिश ऑयल होता है वो इथेल एस्टर, जो प्रोसेस्ड वर्जन होता है फिश ऑयल का, उसी का होता है। और उसमें आपको मैक्सिमम 300 से 400 mg के फिश ऑयल मिलते हैं, जिसके अंदर आपकी EPA वैल्यू 150 अराउंड होगी और DHA वैल्यू कुछ 100 अराउंड होगी या 150 अराउंड होगी। ये वाले फिश ऑयल से आपको दूर रहना है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फिश ऑयल्स हैं। और कौन सा फिश ऑयल आपको लेना है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे आपकी मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में। तो जो भी फिश ऑयल आपको 300 mg या 400 mg तक की वैल्यू देता है वो आपके लिए एकदम वर्थलेस है। जो आपको लेना है वो फॉर्म लेना है ट्राइग्लिसराइड, एक तो ये। दूसरा, उसकी जो वैल्यूज हैं फैटी एसिड्स की, जैसे कि DHA और EPA, उसकी वैल्यूज कम से कम 1000 mg पर कैप्सूल से ऊपर होनी, जैसे कि आप 1400 mg का ले सकते हो। और अब मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो हाई क्वालिटी फिश ऑयल का लेबल है, उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा वाला फिश ऑयल लेना है। जो हाई क्वालिटी फिश ऑयल होगा उसकी EPA वैल्यू अराउंड 650 mg, DHA वैल्यू अराउंड 450 mg होगी, और ये एक ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में ही होगा। यस, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, ये आपको 500 से 600 रुपए के बीच में पड़ेगा, या 600 से 700 रुपए के बीच में भी पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द ब्रांड।
वो आप देख सकते हो, बट इसका वर्थ चीप क्वालिटी फिश ऑयल से ज़्यादा अच्छा है। ये आपको आपकी फिटनेस जर्नी में मैक्सिमम बेनिफिट देगा, बिकॉज फिश ऑयल एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बहुत अंडररेटेड है, बट इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज हमारी बॉडी ओमेगा 3 को खुद नहीं बनाती, हमें ये डाइट से या बाहर से सप्लीमेंटेशन से लेना पड़ता है। और अगर आपकी ट्राइग्लिसराइड जो भी आप फिश ऑयल लोगे उसकी MG 1400 MG है या 1000 से ऊपर MG है, तो आप उसकी बस एक ही टैबलेट लोगे। सो गाइस, ये था फिश ऑयल के बारे में सब कुछ। तो आपको मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। आपको ट्राइग्लिसराइड फॉर्म लेना है, आपको प्रोसेस्ड वर्जन नहीं लेना है, और ये सारा कुछ फिश ऑयल की बॉटल में या लेबल में या कहीं पे भी लिखा होगा उसकी पैकेजिंग में कि इसके अंदर कौन सा वाला फॉर्म है, इसके अंदर कितनी MG है ओमेगा 3 की। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होता है, प्लस ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इश्यू नहीं पहुंचाता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ट्राइग्लिसराइड फॉर्म ही लो।